ओके, गुड इवनिंग। तो मैं ऑडिबल हूँ सबको? तो जी, तो अभी डाउट तो बहुत सारे लोगों के हैं, एक एक करके ट्राई करते हैं। कौन कौन लोग हैं? तो अभी हाँ, वन बाय वन। ये बिना है जो क्वेश्चन पूछे हैं ग्रुप में भेजा आपने? बिना माजी, आप ग्रुप में पोस्ट कर दो। मैंने पहले वो क्वेश्चन डिस्कस किया है, पहले वो तरुण एक बार पूछ चुका है वो क्वेश्चन। तो हाँ, आप क्वेश्चन पोस्ट कर दीजिए ग्रुप में, ताकि बाकी लोग है ना। तो वन बाय वन सॉल्व करते हैं। देखिए, तो आदित्य ने भेजा है, इसमें क्या डाउट है भाई? सर वो ऑप्शन सी बोलते हैं, बाकी तो हो गया। तो x तुम्हारा है ये, और y है 1/x2। तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन करो, क्या दिक्कत है? ट्रांसफॉर्मेशन तो पूरे तो ये सेकंड ऑप्शन वाला क्लियर पर प्रोसेस पूरी रिस्पेक्ट मतलब एमजीएम जैसे वो प्रोसेस है, तो इसको कंपेयर करना पड़ता है। तो नॉर्मल में ऐसा कोई रिलेशन है? एक्स तुम्हारा एक्चुअली नहीं, 1/x² के लिए तो नहीं है, बट ये तुम क्योंकि ये कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहा होगा जिसको ऑब्जेक्टिव में बनाया गया है, ठीक है ना? कैसे प्रूफ करोगे? एक तरीका है, एक्स स्क्वायर का डिस्ट्रीब्यूशन डायरेक्ट तो नहीं निकलेगा, लेकिन एक्स माइनस अरे तो वाई का डिस्ट्रीब्यूशन जब निकल गया तो उसका प्रॉपर एमजीएफ से ट्राई करो, जो डेफिनेशन है उससे। अब इंटीग्रेट करने में सोचना पड़ेगा, कुछ सब्स्टिट्यूशन या कुछ मेथड लगाना पड़ेगा तुम्हें। क्या है ये पावर में e की पावर माइनस क्या लिखा है? 2t/sigma अरे कंपेयर नहीं करना है, तुम डेफिनेशन इसको अब इंटीग्रेट कैसे करोगे तुम्हें सोचना पड़ेगा ना। इंटीग्रेट किससे कंपेयर करना चाहते हो तुम? क्योंकि ये स्टैंडर्ड हाँ, y अगर ऊपर होता तो गामा बीटा कुछ बना देते, गामा बना देते हाँ, लेकिन ये नीचे है। अभी तुम सिग्मा को मान लो 1 रख लो अगर ऑप्शन जैसे मैच करने के लिए, तो उस केस में x स्क्वायर तुम्हारा काई स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर तो गामा का स्पेशल केस है, तो गामा से गामा का रेसिप्रोकल कोई डिस्ट्रीब्यूशन होता है का स्क्वायर? तो नहीं नहीं मैं बोल रहा हूं, अगर मैं सिग्मा को 1 रख दूं तो एक्स स्क्वायर का डिस्ट्रीब्यूशन का स्क्वायर होगा ना। एंड अरे भाई x जो दिया वो क्या है? x कौन सा रैंडम वेरिएबल? x नॉर्मल है ना, अगर सिग्मा को 1 रखूंगा नॉर्मल 0 1 हो गई, और नॉर्मल 0 1 है तो x स्क्वायर क्या होगा? हाँ काई स्क्वायर।
मैं पूछ रहा हूँ कि काई स्क्वायर है तो उसका रेसिप्रोकल कोई थ्योरम है डिस्ट्रीब्यूशन का, अगर एक्स स्क्वायर काई स्क्वायर है तो 1/x² क्या होगा, काई स्क्वायर तो गामा है, तो गामा में 1/x का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, कोई रिजल्ट है? डायरेक्ट तो नहीं आई थिंक कि 1/γ का क्या होगा, तो एक तरीका यही है, तुम उसको इंटीग्रेट समाओ करना पड़ेगा तुम्हें अगर करना है तो। इसमें तुम 1/y को सब्स्टिट्यूट करके इंटीग्रेट कर लो, क्या दिक्कत है, मतलब तुम्हें खुद ट्राई करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन इसमें काफी है। तो ठीक है, तो यहां से आ जाएगा आपके पास अब तुम इंटीग्रेट कैसे करोगे तुम्हें देखना पड़ेगा, है ना? तुम उसको कंबाइन कर दो इन दोनों e की पावर वाले को, समहाउ सब्स्टिट्यूशन कुछ करके इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो ये तो डिफिकल्ट सा इंटीग्रेशन प्रॉब्लम है, तो इसको तुम ट्राई करो सॉल्व करने का, है ना? अदरवाइज मैं भी ट्राई क्योंकि अभी ट्राई करूंगा सारा टाइम इसी में खत्म हो जाएगा, तो मैं इसको ट्राई करता हूँ, तुम रात को मुझे रिमाइंड कराना, मैं एक बार सॉल्व करके देख लूंगा फिर, क्योंकि अभी करूंगा सारा टाइम खत्म हो जाएगा, तो इसको तुम हाँ कौन सा क्वेश्चन, जोर से बोलो थोड़ा, अभी मैंने आपको एक और क्वेश्चन होगा नीचे, हाँ AI कन्वर्जेंस होगा, लिमिट ऑफ AI इक्वल्स टू जीरो का ऑप्शन, इसके नीचे तुम्हारा कोई क्वेश्चन तो दिख नहीं रहा, रुको चेक करता हूँ कहाँ कोई तुम्हारा क्वेश्चन दिख नहीं रहा मुझे, इसमें क्या दिक्कत है, इसमें बाकी ऑप्शन भी तो नहीं बनता है, तो मैंने तुम्हें PMF सजेस्ट किया था ना, तो बाकी क्यों नहीं हो रहा, मतलब COD क्या बोल रहा है, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर के देयर एग्जिस्ट के डिसजॉइंट सेट, अरे भाई जैम 2023 में एक क्वेश्चन आया उसी क्वेश्चन के बेस पे इसने इधर उधर करके लिख दिया है, तुम देखो वहां पे तो कह रहा है फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर के देयर एग्जिस्ट डिसजॉइंट इवेंट्स दिस सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन AI लेस देन क्या है तुम्हारे पास वो less than 0.001 हो जाएगा, और दूसरा वाला there exists a sequence of strictly increasing events such that union जो है उसकी probability ये हो जाएगी, तो strictly increasing है, तो A1 से A इन्फिनिटी तक का सम, हाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम ऐसा यहाँ पे अगर मैं लिखूं
जैसे यही वाला एग्जांपल जो मैं लिया था इसके वन से स्टार्ट करो, तो इसके हिसाब से क्या होगा, क्या ऐसा मैं के सेट जनरेट कर सकता हूं जिसके यूनियन की प्रोबेबिलिटी इससे कम हो जाए? ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इवेंट्स, ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इवेंट होगा इस तरीके से, प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन ऑफ ए आई जो होगा लेस देन ये हो जाएगा। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब ये हो गया ए इंफिनिटी, तो एट द एंड डी तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। सो क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इवेंट बनाओगे तो इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो ए वन में तुमने अगर वन लिया तो ए टू में वन टू आ गया, जैसे ये समझ लो। इंक्रीजिंग का मतलब हो गया ए वन सबसेट ऑफ ए टू सबसेट ऑफ ए थ्री सबसेट ऑफ ए फोर, इस तरीके से है, तो ठीक है ना। तो इस केस में क्या होता है, यूनियन ऑफ ए आई जो होता है, सो यूनियन ऑफ ए आई इज आई फ्रॉम वन टू इंफिनिटी, ये ए एन के इक्वल हो जाएगा, जहां एन टेंस टू इंफिनिटी बोल दो। तो हाँ, इंक्रीजिंग सीक्वेंस है ना, सबका यूनियन लेंगे तो लास्ट वाला जो होगा वही आएगा ना सबसे लार्जेस्ट, सो इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो यूनियन ऑफ ए आई जो होगा लिमिट ऑफ एन एन टेंस टू इंफिनिटी है। अब ये डी वाला तो गलत हो जाएगा, अब बाकी बचा सी वाले का। सो के डिसजॉइंट इवेंट मिलेगा, हाँ तो सही बात है, सी वाला ऑप्शन ठीक है। तुम जैन के पीवाई क्यों करो, जैन के पीवाई क्यों बनाया ये क्वेश्चन, उसी के क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दिया है, जैन 2023 में आई थिंक आया, 23 या 22 में, चेक करो ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। तो उसमें क्या है कि के बोल रहा है, तुम बना तो सकता हूं मैं, इसमें मैं अगर ए जैसे ने कहा ना ए वन ए टू ए के, ए वन मैं लेता हूँ 1/2 की पावर, बहुत बड़ा सा नंबर ले लो, कोई बहुत बड़ा सा नंबर ये ले लिया मैंने, या कोई भी नंबर ऐसा ले लो, तुम चाहो तो एक्स ले ना, कोई बहुत लार्ज सा नंबर ले लो, मान लो इस तरह से है इसका अगला, ताकि वैल्यू छोटी है छोटी आ जाए, तो मैं जितना छोटा चाहूँ उतना कर सकता हूँ प्रोबेबिलिटी को, मैं जितना लार्ज वैल्यू यहाँ तो फिक्स किया नहीं है, तो मुझे के नंबर ऑफ के तुम फिक्स कर लो, मान लो के वन रख लिया तो यही ले लो एग्जाम्पल के तौर पे, या और जीरो को जरूरत है और जीरो लगा लो, और जीरो को जरूरत है और लगा लो। तो एक मैंने ये ढूंढ लिया, अब इस पे प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो क्या होगी, इसके हिसाब से बहुत स्मॉल नहीं होगी, तो सी वाला ट्रू हो जाएगा, डी वाला गलत हो जाएगा। अच्छा पूछा क्या है तुमसे, एक्चुअली फॉल्स पूछा है ना, तो ए ट्रू है, बी ट्रू है, डी ट्रू है, एक मिनट सॉरी, हाँ सी ट्रू है ना, हाँ ए बी सी ट्रू है, डी फॉल्स है, डी इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। हाँ बी वाला कैसे, इस एग्जांपल के लिए क्या होगा अगर लिखोगे तो, इसका रूट लेंगे तो क्या आएगा, क्या होगा, टू की पावर कितना, तो क्या वो कन्वर्जेंट नहीं होगा, होगा कि नहीं, रूट टू लगा दिया ना यहाँ पे, अरे भाई तुम ये बताओ 1/√2 की पावर n, n फ्रॉम, ये कन्वर्जेंट है कि नहीं है, तो फिर क्या कंडीशन लगा रहे तुम, 1/√2 लेस देन 1 है ना, तो कोई कंडीशन थोड़ी इस पे इफ वर्ड थोड़ी चलेगा, तो ऐसे कन्वर्जेंट है, तो बी तो ट्रू हो गया ना, हाँ, तो ए बी सी ट्रू है, डी ऑप्शन फॉल्स है। जैम 2023 वाला क्वेश्चन देखो, तुम्हें पहले वो समझ आ जाएगा, ये भी समझ आ जाएगा, 23 या 22 में सेम कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कृष्ण प्रिया ने भेजा उसका देखते हैं। सो क्या बोल रही है, F R क्रॉस R से है, इस तरह से
एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई आपका है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 100। सो फाइंड द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा ऑफ दिस इफ एनी, मतलब फंक्शन का लोकल मैक्सिमा। तो लाइक वी नो हम पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे 2x प्लस वाई माइनस 1 एफ वाई एक्स प्लस 2y, तो विल पुट इट 0। तो यहां से 2x प्लस y इज 0, इसको 0 पुट करेंगे तो x प्लस 2y इज सॉरी यहां 1 आएगा, सो दिस इज 1, तो ये 1 हो गया और ये 0 हो गया, ठीक है। तो यहां से आपके पास आ गया, ठीक है, तो 2x प्लस y 1 है और x प्लस 2y 0 हो गया, ओके। तो यहां से क्या आएगा, इसको सिंप्लीफाई करो आप लोग, तो सिंप्लीफाई करके व्हाट इज द सॉल्यूशन, तो यहां से सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे तो x इज माइनस 2y तो माइनस 4y, ठीक है, तो y is minus 1 by 3 and then x क्या आ जाएगा यहाँ से, so x will 2 by 3, so critical point we got is 2 by 3 comma minus 1 by 3, so this is the one critical point, है ना, एक ही critical point आया, so we have just one critical point this, and now further what will you do, so further, so this is the critical point. So we find partial derivative with respect to x, partial derivative with respect to y, and put it 0. So this is a critical point. And now you find fxx. So differentiate it again. So it is 2. Fxy. So it is 1. Fyy. So it is 2. Okay. So now. Okay. So fxx 2. fxy1 fyy2, so this is your rst, है ना, rst, so ये हो गया, then now rt minus s square, you find rt minus s square, so what is this, 4 minus 1, okay, so it is actually 3, it is positive, so when rt minus s square is positive then it's fine. And then what is r, so r is 2 and that is positive, then this critical point is what, kya hota hai bhai, koi batao, rt minus s square positive hai, r positive hai, then means what, point of local minimum, yes, so this point is 2 by 3 comma minus 1 by 3 is point of local minima, and since there is no other critical point, so there is no point of local maxima, is it fine? Yes, sir. Okay, I got it. Yes. So, they asked you also to find the point of local maxima, local minima. So, this is a point of local positive and minima, and there is no point of local maxima. Okay. So, next jo hai, Tarun. Chalo, Tarun ke question pehle dekhte hain kya hai iska. Sir, first wale question mein na sirf option D mein doubt hai. xn more than log n, xn plus more than log n plus 1, for infinitely many n this probability is 0, so sir isme coriolis-Mendel lemma lag gaya tha, matlab baki options mein ha summation andar wale jo terms hai unko a lag kar liya tha, an summation probability of an laga ke, ha ab ye check kar rahe ho kya hota hai na, so like baki options mein check kiya aapne, and then if it comes मान लो zero means sorry if this convergent है ना, so infinity आता तो one हो जाता है, अगर less than infinity यानी finite आएगा तो zero, so probability of a n infinitely often finite है तो zero, and infinite है this summation
probability of a n n from. So this is Borel Cantley lemma, which is the syllabus of NET and GATE, but not in JAM. Okay. So this is infinity, then probability of a n infinitely often this probability is 1. Okay. तो आप ये probability निकालो, कोशिश करो, क्या निकालोगे कि x n जो है more than log n and x n plus 1 more than log n plus 1. हाँ, तो ये probability निकालो क्या आएगा, ये चेक करो. तो क्या कहां से है? देखो एक्स आई किस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, तो पहला ऑप्शन कैसे किया आपने? पहले ऑप्शन में मतलब जैसे एक्सपोनेंशियल दिया हुआ है ना ये, हाँ, तो उसका सीडीएफ लिख लिया. अरे मेरे भाई पहले ये बताओ एक्स एन में और एक्स एन प्लस वन में क्या रिलेशन है? एकदम ज्यादा ही है वैसे तो, बट अरे तो फर्स्ट लाइन पढ़ो अब क्या है. तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ फिर? प्रोडक्ट में लिख सकते हैं. तुमने जैसे पहले पार्ट में फाइंड किया तो वैसा नहीं आ जाएगा? इसमें क्या दिक्कत है मुझे बताओ आप. पहला पार्ट में आपने इसकी प्रोबेबिलिटी निकाली होगी, क्या आया बताइए. समेशन बाहर है, ये 1 बाय n आई है. नहीं नहीं अब वो ठीक है, इसकी बात करो. ये 1 बाय n है तो ये कितनी आएगी? ये 1 बाय n प्लस 1. हाँ, क्योंकि xn और xn प्लस 1 तो आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, IID है. yes, तो सेम 1 बाय n प्लस 1. अब इस सीरीज के बारे में क्या बोलोगे? n स्क्वायर है, p टेस्ट से ये कन्वर्जेंट है, तो p टेस्ट से ये कन्वर्जेंट हो जाएगा, तो यहाँ आंसर 0 आ गया, तो ट्रू हो गया मतलब. ठीक है, अभी नेक्स्ट आपका राउंड करने से पहले किसी और का, हर्षिता. सो so, 65 नंबर क्वेश्चन है, हो गया, किसने सॉल्व कर दिया क्या, भेज दिया ना? अच्छा मैं खुद से करता हूँ, देखो. तो अब देखना कहाँ मिस्टेक हुआ है. सो जॉइंट मुझे दे रखा है 3 by 4 y minus x. So 3 by 4 y minus x and 0 less than x less than y less than 2 and 0 otherwise. ठीक, तो आपसे पूछा है कि conditional expectation of x given y है ना, तो ठीक है, तो पहले मुझे निकालना पड़ेगा इसके लिए क्या है 3 by 4 y minus x. अब मार्जिनल मुझे y का चाहिए, तो मैं अलग से निकालता हूं मार्जिनल y का. तो बाकी लोग भी कैलकुलेशन करके देखो आप लोग भी. तो यहां से fy of y कितनी आएगी, मार्जिन ऑफ y निकालोगे तो क्या होगा, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा ना ये. सो 3 बाई 4 वाई माइनस एक्स डी एक्स, क्योंकि मुझे x गिवन y है, तो आ गया x की लिमिट कितनी है 0 से y, तो ये आ जाएगा. तो यहां से करो इंटीग्रेट 3 बाई 4 बाहर, एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 0 से y, 3 बाई 4 x को मुझे रखना है y, तो ये y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाई 2 0 पे 0 हो जाएगा. तो फाइनली ये आ गया 3 बाई 4 वाई स्क्वायर बाई 2. ठीक है, तो यहां से आ गया आपका 3 बाई 6 वाई 3 बाई 8 वाई स्क्वायर, ये आया आपका, भी देख लेना आप. सो 3 बाई 8 वाई स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो आपका आ जाएगा फाइनली, है ना, ये कैंसिल कर लेते हैं, 3 3 कैंसिल, 4 2 जा 8 2 ऊपर आ जाएगा. सो 2 टाइम y माइनस x अपॉन y स्क्वायर. तो यहां से कंटिन्यू करता हूं 0 टू y x
टू टाइम वाई माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर डीएक्स। ठीक, तो टू बाई वाई स्क्वायर बाहर कर दो, जीरो से वाई एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। चेक कर लो कैलकुलेशन, सो टू बाई वाई स्क्वायर बाहर, एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर, सो टू बाई वाई स्क्वायर, एक्स वाई का इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर वाई बाई टू माइनस एक्स क्यू बाई थ्री। तो यहां से आ गया जीरो टू वाई, तो आपका आंसर आ जाएगा इक्वल टू टू बाई वाई स्क्वायर। ठीक है, तो वाई क्यू बाई टू माइनस वाई क्यू बाई थ्री। ठीक है, जीरो पता जीरो ही हो जाएगा, तो x को y रखना था, तो ये कितना आ गया, इसका एलसीएम ले लो आप, टू बाई वाई स्क्वायर इंटू सिक्स, तो थ्री माइनस टू, तो वाई क्यू भी रहेगा, टू थ्री जा सिक्स, वाई स्क्वायर से वाई क्यू, फाइनली वाई बाई थ्री आया। क्या आपका ये आ रहा है? तो क्या डाउट क्या है इसमें फिर? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स गिवन वाई इज इक्वल टू, उसने कहा है वन, तो वाई को वन रख दो, तो यहाँ वाई को वन रख दो, सो वन बाई थ्री आ गया। तो आंसर गलत दे रखा है फिर, है ना? ठीक है, ऑफिशियल आंसर की मैं चेक करूँ ऑफिशियल में जाकर। ठीक है, तो ये वन बाई थ्री आएगा, एक्स गिवन वाई था ना, वाई को वन रख दिया, तो वन बाई थ्री आ गया, तो वन बाई थ्री आएगा, आपका वन बाई थ्री आया हुआ है, तो आपका क्या आया है 1/3। अच्छा हाँ ठीक है, तो इसमें आंसर, इस असाइनमेंट में आंसर गलत लिखा है, आप ऑफिशियल में चेक करो जाके। ठीक है, चलो विनय, विनय ने जो भेजा है वो देखते हैं। सो ये कह रहा है कि x1 x2 x3 x4 जो है आईआईडी है, तो ये हमने पहले एक बार सॉल्व किया हुआ है। तरुण है तो याद है भाई, देखो ये क्वेश्चन जो विनय ने भेजे हैं वो आपने भी शायद कुछ दिन पहले भेजा था। तो ये है ना, तो हमारे पास x1 x2 x3 x4 ये जो है IID है, IID बर्नौली 1/3 है। ठीक, अब कह रहा है रैंडम वेरिएबल है, ये ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, तो कौन सा, तो x1 x4 इंडिपेंडेंट नहीं होगा बिकॉज डिपेंड्स ऑन द वैल्यू, राइट? सो पहला ऑप्शन है फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स और फोर्थ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स इंडिपेंडेंट है क्या? So, नहीं होगा, क्योंकि somehow they will depend, है ना, कि अगर मान लो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स जैसे वन है ना, मतलब मिनिमम वन हो गया, तो फोर्थ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स हैज टू बी वन, राइट? क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम वाला अगर वन है तो उसको वन ही होना पड़ेगा, दे डिपेंड ऑन ईच अदर, सिंपल। तो पहला ऑप्शन आउट हो गया, एक्सपेक्टेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। सो ऑप्शन ए था कि फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स एंड फोर्थ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स आर इंडिपेंडेंट, तो ऐसा तो नहीं है। दूसरा जो है आपका कि एक्सपेक्टेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स जो है वो हमारे पास है 1/2। ऑप्शन सी है वेरिएंस ऑफ सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, दिस इज 8/81। And option D, X4 is a degenerate random variable. So fourth order statistics is a degenerate. So ये भी गलत हो जाएगा fourth वाला, why? Because X4 may take value zero also ना, जैसे degenerate का मतलब क्या है कि it will take single value and the probability will be one at that point. But मान लो जैसे सारी value zero है, so this will be zero. अगर all random variable takes value zero, in that case this will be zero. If all takes value 1, then this will take value 1. So means degenerate, degenerate means it has support has just one point. So support mein ek singleton set hoga support. So that is also wrong. So either B or C will be correct. So for that we need to decide the distribution of second order statistics. Aave Tarun, tumne solution kiya hua hai ki nahi? Yaad hai? Sir, isme 5 cases banenge. Haan. Ek to banega 0, 1, 1, 1. एक मिनट रुको, मैं लिखता हूँ। सो लाइक ये जो ईच एक्स आई कैन टेक टू वैल्यू आइदर जीरो और वन, तो हमें देखना है सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का पीएमएफ बनाया था। सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स में
आप किसके लिए बता रहे हो? सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स क्या वैल्यू लेगा? जब वन वैल्यू लेगा, ठीक है, वन लेगा, पांच केसेस बनेंगे, क्या क्या बनेंगे? हाँ, जीरो ट्रिपल जीरो वन वन वन, हाँ, एंड सर वन जीरो वन वन, वन वन जीरो वन, देन वन 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 जीरो, फिर पांच, फिर चार बार वन। देखिए, सो विनय, आप देखिए इसमें क्या समझना है आपको कि जैसे नहीं, जो फॉर्मूला रैंडम उसमें जानते हैं डिस्क्रीट में, ऐसा कोई स्पेसिफिक उस टाइप का फॉर्मूला नहीं, यू हैव टू डिराइव द पीएमएफ, तो वैसा कोई हर डिस्ट्रीब्यूशन फिट हो जाए वैसा फॉर्मूला नहीं है डिस्क्रीट में, एक्चुअली कॉन्टिन्यूअस में ही है। डिस्क्रीट में वैसा कोई कॉन्टिन्यूअस में क्या हर डिस्ट्रीब्यूशन फिट होगा, सो लाइक यू नो द पीडीएफ ऑफ nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, लाइक n टाइम cdf की पावर n माइनस 1 इनटू pdf, है ना, सो दैट इज अ pdf ऑफ nth ऑर्डर, बट हियर इट विल नॉट वर्क, डिस्क्रीट है, सो वी हैव टू सी, लाइक सेकंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स कैन टेक वैल्यू 0 और 1, सो आई एम सीइंग व्हेन सेकंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स विल टेक वैल्यू 1, सो विल टेक वैल्यू 1 मींस फर्स्ट ऑर्डर स्टैट्स मिनिमम ऑफ ऑल, सेकेंड ऑर्डर स्टार्ट सेकेंड मिनिमम, सेकेंड ऑर्डर स्टार्ट में सेकेंड मिनिमम, सो लाइक सी व्हाट हियर आई एम राइटिंग इज एक्चुअली इन ऑर्डर आई एम राइटिंग x1 x2 x3 x4, सो दिस इज द ऑर्डर्ड ऑब्जर्वेशंस आई एम राइटिंग, आई मीन x1 x2 दिस इज फोर रैंडम वेरिएबल्स, सो व्हाट कैन दे टेक वैल्यू सच दैट द सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक विल मेक इट 1, सो लाइक द मिनिमम 1 इज 0, तो सेकेंड मिनिमम इज 1 ओनली, सो दिस इज ओके, minimum is 0, second one is 1, minimum is 0, so out of 4 you have to select the least one, so least one is the first order statistics and the second minimum is the second order statistics, so yahan bhi isme kya hai, minimum bhi 1 hai, second order stats bhi 1 hai, third order statistics bhi 1 hai, fourth bhi 1 hai, it's okay, so now you have this 5 observation, so you find the probability corresponding to it, so can you find, ya main continue karu, है ना, सो नाउ ईच पॉइंट पे आपको वैल्यू मिल गई, इंडिपेंडेंट है ही, तो आप प्रोबेबिलिटी निकाल लो, तो इसका आपको बस क्या ट्राई करना है कि दिस प्रोबेबिलिटी इज व्हाट एंड कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, सो दिस प्रोबेबिलिटी इज व्हाट एंड देन यू कैन डिसाइड आइदर ऑफ देम विल बी करेक्ट, आई थिंक दिस इज रॉन्ग, दिस विल बी करेक्ट, सो वी हैव ऑलरेडी सॉल्व दिस क्वेश्चन इन क्लास वंस, तो हाँ तरुण, आप अगर सॉल्व किए हो तो भेज देना ग्रुप में, या विनायक को जिन्होंने क्वेश्चन भेजा है ना ग्रुप में, अभी भेज दे, हाँ उनको पर्सनली या तो भेजो या ग्रुप में भेजो, जैसा समझ आए आपको। नेक्स्ट, सो नेक्स्ट जो है, और किसी का डाउट है? यशवंत, चलिए यशवंत ने जो पूछा है देखते हैं, सो कह रहे हैं एक्स बी अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल विद जेनरेटिंग फंक्शन, मतलब मोमेंट जेनरेटिंग फंक्शन ना, तो क्या इसमें आंसर गलत है यशवंत, क्या डाउट है आपका, है? अगर देखो हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो, अलग बात है, तो वी नो हाउ टू फाइंड द मुझे लग रहा है, मैं फिट कर देता हूं इसे, एम एक्स टी जो है इसको ठीक से लिखूंगा मैं, सो वन बाई 1 प्लस पाई प्लस पाई बाय 1 प्लस पाई e की पावर t, तो इसकी पावर है 2 है, फिर पाई बाय 1 प्लस पाई प्लस 1 बाय 1 प्लस पाई इस e की पावर t, इसकी पावर है 3, ठीक है, तो यहां 2 और वहां 3 हो गया। अब आप यहां से पहचान पा रहे हो ये किसका MGF है जी, ये वाला पहला वाला है ना, हाँ देखो मैं ऐसा लिख देता हूं, सो दिस इज लाइक एम एक्स वन टी एम एक्स टू टी, सो एक्स वन हेयर इज बाइनोमियल 2, P, क्या होता है q प्लस पी की पावर t, p हेयर इज दिस, एंड एक्स टू इज बाइनोमियल 3, q प्लस पी की पावर t,
ये हमारे टेस्ट का क्वेश्चन है, ठीक है ना? सो नाउ आई थिंक पीपल कैन डू, एंड द रिलेशन इज व्हाट, दिस टू आर इंडिपेंडेंट एंड दिस सेज दैट एक्स इज नथिंग बट एक्स वन प्लस एक्स टू. तो यहां से सॉल्व कर लो. ओके, सो ई एक्स का डायरेक्टली आ जाएगा. ई एक्स यू वॉन्ट, यू जस्ट डिफरेंशिएट इट वंस. जो एमजीएफ दे रखा है एक बार डिफरेंशिएट करो, टी को जीरो पुट करो. तो अगर बच्चे जब क्वेश्चन पूछेगा डाउट का तो पता चलेगा. यस मन तो अभी है ना, ये बस क्वेश्चन भेज देता है. ओके कर लेगा. नेक्स्ट, तो नेक्स्ट जो लखराज ने बहुत सारे क्वेश्चन भेजे, चलो ट्राई कर लेते हैं. तो वन बाय वन पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं तुम्हारा. देखो ये कह रहा है कि द बर्निंग टाइम ऑफ अ सर्टेन काइंड ऑफ रॉकेट हैज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन burning time 5 minute variance this and the coefficient of kurtosis is 4. So what is distribution of burning time of these kind of rockets? तो actually यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, ये actually हालांकि jam में वो है, तो एक बस यहाँ पे आपको ये देखना है कि जब kurtosis 3 से ज्यादा है तो क्या definition है, 3 से कम है तो क्या definition है, क्या होगा इसका answer? है ना, 4 3 से ज्यादा है तो लेप्टोकर्टिक, 3 से कम है तो मेसोकर्टिक. तो डेफिनेशन जस्ट आपको देखना है. तो यहाँ बस ये जो कोएफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस है, सो कर्टोसिस की वैल्यू 4 है, दैट इज मोर देन 3. स्टैंडर्ड नॉर्मल का 3 रहता है, आप 3 स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फाइंड करो कर्टोसिस 3. सो वी कंपेयर विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड नॉर्मल. सो 3 से ना, आप डेफिनेशन एक बार चेक कर लो जस्ट, तो उससे पता चल जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन लखराज है. ओके सर. हाँ, सो जस्ट यू सी वंस डेफिनेशन कि इसका डेफिनेशन क्या, चारों गूगल करके देख लो आप, तो पता चल जाएगा उससे. नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका है वो देख लेते हैं. सो नेक्स्ट कह रहा है कि 479th मीन ऑफ एक्स, तो मतलब ये पूछ रहा आपसे कि मतलब 479th मोमेंट ऑफ एक्स, तो मतलब एक्स की पावर 479. तो आपको पता है कि क्या करना होगा, आपको आपको डिफरेंशिएट करना होगा 479 टाइम किसको, MGF को, and then T को जीरो रखना है. तो आप देखकर डरना नहीं है, आप दो तीन बार डिफरेंशिएट करो, यू विल सी अ पैटर्न, दैट पैटर्न. तो यहाँ आंसर आई थिंक गलत है, वो फैक्टोरियल में आएगा कुछ इसका, है ना, वैसा कुछ. तो ये पहले भी हमने डिस्कस किया डाउट क्लास में, क्योंकि ऐसा ही होता है, डाउटेड रिपीटेड ही होते हैं, है ना. तो जो बच्चा बहुत रेगुलर है उसको पता है, जैसे अभी क्वेश्चन है वो भी रिपीट हुआ, ये भी रिपीट हुआ, ये पहले भी कर चुके हैं डिस्कस हम इसी क्लास में, डाउट क्लास में. तो 479th मोमेंट ऑफ एक्स अबाउट ओरिजिन, ठीक है जी. तो इसको क्या करना है आपको, इसमें आंसर आई थिंक गलत है आंसर की में. तो आप क्या करो, जैसे आपका MGF दे रखा है 1 by 1 plus t, तो आप एक बार डिफरेंशिएट करोगे क्या होगा, माइनस 1 by 1 plus t स्क्वायर. जब आप दो बार डिफरेंशिएट करोगे तो ये प्लस में आ जाएगा, राइट? यस सर. तो ये आपका आ जाएगा 2 टाइम 1 प्लस टी का क्यूब हो जाएगा. तो इसको 1 इंटू 2 कर देता हूं समझने के लिए. फिर ऐसे ही आप जब एक बार और डिफरेंशिएट करोगे ट्रिपल डैश टी करोगे, तो 1 2 3 हाँ ऐसे 1 प्लस टी की पावर 4 आ जाएगी, राइट? यस सर. तो अब आप ऐसे ही, मैं अगर पूछूं आपको कि जब मैं 479th डेरिवेटिव कर रहा हूं इसका, 479 ना, तो क्या बनेगा, आपको आइडिया लग रहा है? देखो ये 3 फैक्टोरियल था माइनस में, और ये प्लस में 2 फैक्टोरियल था. 1 प्लस टी की पावर 3 है यहाँ पे, 1 प्लस टी की पावर 4 है. तो आप पैटर्न ऑब्जर्व करके बताओ ये क्या 479th डेरिवेटिव इसका क्या देगा मुझे, माइनस 479 फैक्टोरियल जी अपॉन 1 प्लस टी की पावर 479 प्लस 1 ना, एक ज्यादा हो रहा है, 3 है तो 4 है, 2 है तो 3 है, 1 है तो 2 है. तो ये हो गया. अब t को 0 रख दो आप, वही आंसर है आपका, ठीक है? ओके सर. सो सर ये फंक्शन का डिफरेंस है, ये एक्सपोनेंशियल है 1 by 1, हां एक्सपोनेंशियल विद मीन 1, यस है ना. सो मीन लाइक स्क्वायर, अच्छा सॉरी सॉरी, हां ओ एक मिनट, हां हां माइनस 1. लेकिन यहाँ पे क्या, एक मिनट, जो हम लोग एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन लिखते हैं वहां पे लैम्डा क्या मान के चलते हैं,
है ना, तो वन बाई है यहाँ पे क्या कर सकते हैं ना कि एक ऐसा पीडीएफ बनाएंगे e टू द पावर x और x जो होगा माइनस इनफिनिटी से जीरो। ओके उस तरह से माइनस इनफिनिटी से जीरो फिर ऐसे ऐसे मैंने किया था तो आया था। एनीवे कोई दिक्कत नहीं है अभी, चूंकि मुझे एमजीएफ मान लो किसी डिस्ट्रीब्यूशन का एमजीएफ है, ये एक्सपोनेंशियल का नहीं है। एक्सपोनेंशियल में क्या होता है कि लैम्डा वाई है ना, उस तरह से एक डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वन अपॉन वन माइनस लैम्डा टी या लैम्डा अपॉन है ना लैम्डा माइनस टी आता है ना बाद में, सो उस तरीके से आता है। ठीक है तो यहाँ पे मान लो एक्सपोनेंशियल का नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, एक्सपोनेंशियल का नहीं है, हमें एमजीएफ दिया है, मुझे मोमेंट डिसाइड करना है, तो किसी रैंडम वेरिएबल का होगा तो उसका देख लेंगे। हाँ वो थोड़ा याद रखना वजह से ना अभी भी मैं वो कंफ्यूज हो गया था, लाइक वन तुम्हें एक्चुअली याद रखना पड़ेगा एग्जैक्टली किस डिस्ट्रीब्यूशन का एमजीएफ है, क्योंकि तुम्हारा एग्जाम है, तुम्हें एक बार रिवाइज करना पड़ेगा ना। ठीक है नेक्स्ट जो इसने पूछा है लगराज ने, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्या है कि एक्स वाई विद द टू रैंडम वेरिएबल सेटिस्फाइंग दिस, तो भाई यहां पे क्या है एक्चुअली ये सब ना लिखने में थोड़ा वो करता है, क्या लिखा है ये एक्स वाई एफ ऑफ एक्स वाई ऑफ एक्स, ये नोटेशन ही क्लियर नहीं है क्या भाई, इसमें क्या डाउट है? हाँ ये नोट एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है ये थोड़ा लिखने में गलती किया है, वो ऐसा है कुछ कि मीन थ्री है इस तरह से कुछ बता रखा है ना, देखो यहाँ एक्चुअली लिखने में इसने गलती की है। पहला बोल रहा है कि एक्स वाई रैंडम वेरिएबल है जहां पे ये ऐसा होगा, ये जो प्रूफ रीडिंग किया ना उसने गलती किया, उसने ढंग से चेक नहीं किया है, ये इस तरह से कुछ होता। वाई ऑफ एक्स का क्या मतलब है, ये ऐसा होगा वेरिएंस ऑफ मान लो जैसे नहीं ई ऑफ एक्स वेरिएंस ऑफ एक्स, तो इसलिए वेरिएंस को वाई लिख दिया उसने, प्रूफ रीडिंग लोग ठीक से नहीं कर रहे एक्चुअली है ना, तो इसलिए थोड़ा मिस्टेक इसमें दिख रहा है एक्चुअली, ये क्वेश्चन है एक्चुअल। आप तो इसको भेजता हूं मैं, ये लोग ना प्रूफ रीडिंग ठीक से नहीं कर रहा है, तो ये वाला क्वेश्चन है आपका एक्चुअली, तो आप ऑलरेडी जानते हो ना कि कोवेरियंस क्या होता है। अच्छा कोवेरियंस अपॉन हाँ सो इनटू में दिस, इसका रेंज पता है ना आपको, ठीक है तो इससे आ जाएगा, इसी रिलेशन से आपको दिख जाएगा ऑप्शंस। ओके सर यहां से देख लो फिर, वैसे वेरिएंस वाला भी है तो वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वाई वेरिएंस एक्स प्लस वेरिएंस वाई प्लस टू टाइम कोवेरिएंस एक्स वाई, ये भी यूज हो जाएगा। ठीक है तो ये जरूरत पड़ सकती है तो उससे देख लो हो जाएगी, तो इसको मैं भेज देता हूँ इन लोगों को क्या प्रूफ रीडिंग करते हैं लोग। और लास्ट जो आपका डाउट है, अ शॉप सेल्स अ पर्टिकुलर मेक ऑफ रिकॉर्डर, कल डिस्कस कर रहे थे डाउट क्लास में, हम संडे था ना कल डिस्कस किया क्वेश्चन, तो अज्यूमिंग दैट द वीकली डिमांड फॉर द वीडियो रिकॉर्डर इज अ पॉइजन वेरिएबल विथ मीन थ्री, वीकली डिमांड जो है पॉइजन विथ थ्री है, द प्रोबेबिलिटी दैट द शॉप सेल्स मोर देन 20 इन अ मंथ, अब वो वीकली दे रखा था लेकिन मंथ की बात कर रहा है, तो x1 मान लो फर्स्ट वीक का है, x2 डिस्ट्रीब्यूशन सेकेंड वीक का है, x3 थर्ड वीक का है, x4 फोर्थ वीक का है, सो दे आर आईआईडी रैंडम वेरिएबल्स, ठीक है हर वीक का अलग अलग है, तो यहां पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 मोर देन 20, ये निकालो। ठीक है समझ आया, देखो सो ईच xi हैज डिस्ट्रीब्यूशन पॉइजन 3, तो ये वीकली है, xi रिप्रेजेंट्स वीकली, सो x1 इज लाइक फर्स्ट वीक का, x2 सेकंड वीक का, So, ये मंथ की बात कर रहा है, तो आप इससे सॉल्व करो, ये कैलकुलेट करो आप, तो सम ऑफ पॉइजन पॉइजन ही होगा, यहां हो सकता है डायरेक्ट कैलकुलेशन ना हो तो अप्रोक्सीमेट करना पड़े आपको नॉर्मल में, तो उससे आ जाएगा, तो थोड़ा सा डेटा की रिक्वायरमेंट होगी, फाई की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। बट मैं कह रहा हूं, मेरा कहना मतलब कोई क्वेश्चन करो तो आपको अप्रोच पता होगी हाउ टू सॉल्व, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन तो सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन करके देख लेना, जब ऐसा हो कि तुम्हें लगता है कि हो जाएगा तो करके भी देख लो, ताकि श्योर हो जाओ कि हाँ क्वेश्चंस कर लेंगे हो जाएगा। ठीक है भाई ये ओके है, सम ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉइजन, ट्राई करके देखो, अगर जैसे मैंने कोई क्वेश्चन अभी हिंट दिया फिर भी नहीं हुआ तो कल फिर पूछो, डेली 6 to 7 डाउट क्लास है, 6 डेज,
संडे को 6 to 11 होता है, वो अलग बात है, 10:15 तक डाउट खत्म हो जाते हैं 10 बजे तक, कल तो 9:45 में खत्म हो गया था, वो अलग है क्योंकि, बट मैं अवेलेबल रहता हूँ 11 बजे तक। चलो तुम्हारे हो गए क्वेश्चन, नेक्स्ट कौन है, नेक्स्ट नेहा का देखते हैं। तो अच्छा उधर तरुण का ही बचा हुआ है, उनको आते हैं वापस। तो इसमें ए ऑप्शन करेक्ट क्यों नहीं होगा, तो आप एग्जांपल लेके कर लो ना, जैसे क्या बोल रहा है कि एक्स बी अ पॉजिटिव वैल्यूड कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल विद फाइनाइट मीन, पॉजिटिव वैल्यूड कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल विद फाइनाइट मीन। तो आप ऐसा करो, एक्स को ले लो यूनिफॉर्म 0 1, ठीक, पॉजिटिव वैल्यूड है, फाइनाइट मीन है। अब आप देखो तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, मैं यूनिफॉर्म 0 1 ले रहा हूं तो वाई की वैल्यू क्या होगी, 0, जस्ट 0। तो आप फाइंड करके देखो, 0 पे क्या दोनों में सेम रिलेशन आएगा, उससे आप चेक कर सकते हो, डिस्कार्ड कर सकते हो ऑप्शन को एग्जांपल लेके। और ए और बी एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है, तो दिख रहा है ए और बी ऑप्शन एक दूसरे का, yes, तो दोनों तो सही नहीं हो सकता ना, आपको चेक करना पड़ेगा। सर ए और बी दो होती है। अच्छा सॉरी ना, आप चेक करने को वेरीफाई करो, एग्जांपल से लेके आप वेरीफाई करो। देखो कई बार जनरल प्रूफ करना एग्जाम में बहुत डिफिकल्ट होगा और टाइम काफी ले लेगा, तो उससे बचो आप प्रूफ करने से। यू टेक एग्जांपल जो उस स्टेटमेंट पे फिट बैठ रहा है, इफ पे उस पे बेस्ड फिर आप ट्राई करो, ये है, ठीक है। तो एग्जांपल ये कर लो आप, यूनिफॉर्म 0 1 ले लिया, कोई दूसरा सा एग्जांपल और ले लो जो पॉजिटिव सपोर्ट, एक्सपोनेंशियल लेके देख लो, है ना, एक्सपोनेंशियल ले लोगे तो वाई आपका ज्योमेट्रिक आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल 1 मान लो है आपका एक्स, तो वाई ज्योमेट्रिक आ जाएगा, तो वहां से वेरीफाई कर लो। तो जो ऑप्शन आउट हो रहा है वो पक्का आउट हो जाएगा, जो ट्रू होगा वो ट्रू हो जाएगा। जनरल भी कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मान लो यहाँ लिखा हुआ है कि पहले ऑप्शन में y लेस देन इक्वल टू u है, तो y की जगह रख दो ग्रेटेस्ट इनर फंक्शन। अब ग्रेटेस्ट इनर फंक्शन लेस देन इक्वल टू u कब होगा, तो आपको देखना है कि लेस देन इक्वल टू u कब होगा वो, तो उसमें फिर है ना ये इंटीजर वैल्यू लेगा, तो u डिपेंड करता है क्या है, फ्रैक्शन है ना, तो उसके हिसाब से आपको फिट करना पड़ेगा उसको। तो बेटर एग्जाम्पल लेके ऑप्शन डिस्कार्ड कर लो, ये है ए बी में से एक ट्रू होगा और सी डी में से एक ट्रू होगा, क्योंकि वो जस्ट ए बी एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है, सी डी एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है, तो होगा एक ही ट्रू उसमें से। यस यस विच सेकेंड आई डिडंट गेट, अच्छा से आपका सेकंड बोला है, हाँ कृष्ण प्रिया व्हाट इज योर डाउट। सर आई हैव सेंड सम डाउट, दैट इज हाउ वी कैन फाइंड द मीडियन ऑफ द ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। I will come to that point. The last question is yours. Which one? Which you have find? I didn't get. Oh, 1 minute. Yeah. Okay. Yes, I left your question. I thought it is solution. Yeah, got it. So, I thought it is solution. That what you are asking here? The median of geometric. Okay. Sir, I just tried it, but I did not got the answer. I think it's wrong. So, median of geometric is? So you have to see the median, like it is option is given. So I have to do one thing. M is median if and only if. See, the approach you used is for continuous, not for discrete. The solution you have written is wrong. Why? Because you used CDF is equal to half. So that works in case of continuous only, not for discrete. So the distribution here is discrete distribution. So you have to use the general definition. M is median if and only if, कोई बताओ भाई इसका concept, discrete में क्या होता है definition median का? Probability of x greater than or equal to x. M, yes, M greater than or equal to 1/2 and yes. Probability of x less than or equal to m greater than or equal to 1/2. Yes, so you try this. So you don't try general approach, you take the options. For example, in place of M, you put 1 for the option A. In place of M, you just put 1. Now find the probability and check whether it satisfies this or not. Okay, sir. Yeah, then you take 0 and then you try. So, like, there are 3 options, so you will see at least one of them. You know? So, just put M is equal to options, whatever options, you will get the answer. Okay, sir. Okay. Yes. So, your question is done. Now, it's the second. Okay. So, कोई जुड़ा था पहले वाले, तरुण का क्वेश्चन बस छूटा हुआ आई थिंक, और एक है ना बाकी का हो ही गया।
आदित्य के दो ही है ना। अभी आता हूँ वापस। तो फर्स्ट हाँ जी नेहा, आपके सेकंड क्वेश्चन में क्या डाउट है? हाँ ये क्या बोल रहा है कि इफ पी द प्रोबेबिलिटी दैट लार्जेस्ट सैंपल ऑब्जर्वेशन, सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ लार्जेस्ट सैंपल? थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। यस, nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। तो इसे सैंपल साइज 3 है तो थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स इज एट लीस्ट ट्वाइस। तो एट लीस्ट का मतलब मोर देन इक्वल टू, मोर देन इक्वल टू ट्वाइस द स्मॉलेस्ट। तो ट्वाइस द फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। हाँ ज्वाइंट कोई बात नहीं, आप गेट में तो है ही, सो आप ज्वाइंट का फॉर्मूला पता ही आपको, ज्वाइंट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का, तो यूज कर लो आप कि ज्वाइंट है ना, वाई मान लो वाई वन फर्स्ट ऑर्डर स्टैट्स, वाई थ्री सेकेंड, सो वाई वन वाई थ्री का ज्वाइंट ले लो एंड उसको इंटीग्रेट कर दो ओवर दिस रीजन कि लाइक वाई थ्री मोर देन टू एक्स वाई वन, तो उससे इंटीग्रेट कर दो, डबल इंटीग्रेशन आ जाएगा। चलो तो ये तो हो गया। नेक्स्ट कृष्ण प्रिया ने एक और डाउट पूछे हैं, सो ये तो हो गया। वन मोर, सो व्हाट इज दिस, कंसीडर अ सीक्वेंस ऑफ इंडिपेंडेंट बर्नौली ट्रायल्स विथ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1/3, द प्रोबेबिलिटी दैट द थ्री सक्सेस अकर बिफोर फोर फेलियर इज इक्वल टू, एक्चुअली व्हाट दे आर आस्किंग यू, so each trial has success probability 1/3, failure probability 2/3, okay, the probability that three success occur before four failure, so till four failure you must get at least three success, they are asking this actually, so in the actual meaning they are asking at least three success before four failure, okay, so at least three success before four failure, so they are asking you this, okay, at least three success before four failures, okay, so will you able to complete? So you take just complement here, so one minus probability, so it is at least three success before four failure na, so you take the complement, so means less than three success, right? So, zero success before four failure minus one success before four failure minus two success before four failure. So, this we need to compute actually. Okay. So, you need to complete this. So how will you complete now? So you have to find zero success before four failure. So zero success means before four failure. So last one will be failure actually, right? So no success means all four failure, no? So what does it mean? Or you can apply here negative binomial distribution if you want. Negative binomial, in these three cases you can apply negative binomial. So like if I write other ways, this they mean one success before four failure. So one success means before four failure. So success may occur one time. So it may be this or before four failure, na? Yes. So one success before four failure. So maybe failure, success, failure, 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 or maybe failure, failure, success. One success, sir, sir, actually there is one success before four failure now, but when we write FSFF, but there is only one three failure. See what they are asking, one success, exactly one success before four failure, so till you get the fourth failure you must get one success till the fourth failure actually. So this is okay, like the fourth failure comes here, so you must get one success before that actually. Okay, sir. So that is the meaning here. Again here two, so why don't you apply negative binomial? You just apply negative binomial. See, I'm directly writing. So zero success before four failure actually. So here actually success failure are interchanged. So in the negative binomial, what we see,
Rth success before what do you write? X is what? Number of failure before Rth success. Before Rth success. So here in place of success you have failure actually. So success and failure are interchanged here. So you will interchange P and Q, no problem. So here is 0 success before 4 failures. R is, so this will be negative binomial. R is 4 here, okay. So 4 comma, and what is the failure probability? 2/3. So you apply negative, you see the PDF of negative binomial 4, 2/3. You apply the PMF at 0, you will apply. So it is the number of failure case. So total trial is 4. So 4C0 2/3. So how many failures you get? So it is a 4 failure, huh? And the success is 1/, like if you want to write that, so you can write that also. So it is the 1/30 and 2/3. So you check the PMF of the negative binomial, just I want to say that. You check the PMF, same here. So here you will use a negative binomial 4 failure, na? 4, 2/3, same thing. So just you find the probability of x is equal to 0. So let me write directly. Okay sir, I got it, I will do it. Yes, so you can do actually. So this is the thing where x is negative binomial 4 comma. So there you write NRP. So in place of P we have to write the Q because it is interchanged. So it is 2/3. So this is distribution of x. Now you see the PMF of negative binomial when you are counting number of failure before added success, that one. So you can use, yeah. Okay sir. So ab kisi ka raha gaya usse pehle kya tarun ka tha koi tarun jo reh gaya ab kal 6 to 7 hoga abhi iska kya hai क्वेश्चन आर आज टू द गिरीश इन द क्विज कॉम्पिटिशन. ये भी क्वेश्चन लगराज हमने कल किया है, कल के डाउट क्लास में. वो वीडियो कंप्लीट करो, उसमें ये क्वेश्चन कल हमने किया है क्विज वाले. एंड नहीं तो फिर कल फिर पूछो क्योंकि अभी 7 to 9 क्लास है. तो कल 6 टू 7, जो आज डाउट जिनका रह गया कल 6 टू 7. एक बार और पढ़ लेता हूँ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ मिस प्रिंट. ये भी क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में किया है, ठीक है ना. तो ऑलमोस्ट हर बच्चों का डाउट, वैसे बहुत सारे बच्चों का कॉमन डाउट ही होगा. ये दोनों क्वेश्चन जो आपने भेजा रख रहा है, जो कल हमने डिस्कस किया, कल वाला वीडियो आप देखो, डाउट नंबर 41, 42 एंड 40, तीन है ना, कल तीन वीडियो बने, 40, 41, 42, कल 4 घंटे क्लास हुई थी. तो लेक्चर डाउट क्लास 40, डाउट क्लास 41, डाउट क्लास 42, उसमें कवर हो जाएगा. फिर भी जो क्वेश्चन रह गए वो आप कल 6 टू 7 अगेन पूछो. आज का जो क्लास है डाउट क्लास 43 होगा आज का, ठीक है. तो अभी मैं आज की डाउट क्लास ही स्टॉप करता हूँ, कल 6 टू 7 डाउट क्लास होगा. अभी हम 7 टू 9 बैच कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, और उसमें इम्प्रॉपर इंटीग्रल और बीटा गामा फंक्शन आज करेंगे. चलो फिर अभी के लिए थैंक यू एंड गुड नाइट.